फिर यह है TCL की तरफ से आने वाला Google TV, जिसमें आपको QLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। 4K रेजोल्यूशन होगा, 43 इंच का ये टीवी है, और भाई QLED डिस्प्ले होने की वजह से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी वो जबरदस्त हो जाती है। TCL का T6 5G इसका मॉडल है भाई। जो TCL की ब्रांड वैल्यू है वो काफी अच्छी है, 2 साल की वारंटी के साथ आता है। और TCL तो आपको पता ही होगा काफी पॉपुलर ब्रांड है, टीवी वगैरह काफी ज्यादा ये इस पर ध्यान देते काम करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आपका 25,000 रुपए के अंदर का बजट है या आपका 20,000 का बजट है, तो आप थोड़ा सा ऊपर आओगे तो 22-23,000 के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस 27-28,000 रुपए चलता है। अगर अभी भी देखोगे तो 27-28,000 चल रहा होगा, अगर सेल नहीं चल रही है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सेल में है जो ये आराम से आपको 23-22,000 रुपए आसपास मिल जाएगा। तो कैसा है टीवी, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ कमियां हैं यार यहां पे जो आपको जानना जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट पूरी तरह से फुल पैकेज नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती है, तो उसी तरह इसमें भी है। तो आपको जानना जरूरी है कि क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ताकि आप अपने लिए एकदम सही डिसीजन ले सको जब भी आप कोई भी टीवी लेने चलो। तो चलो यार बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं, बने रहो, तुरंत वापस आते हैं। फिर फाइनली टीवी को मैंने माउंट कर दिया है वॉल के ऊपर, और देख सकते हो काफी बड़ी टीवी है और काफी बेजल लेस डिजाइन है। इसका बेजल बहुत ज्यादा पतला है, अभी इसको ऑन करूंगा तब देखना कैसा है। फिलहाल के लिए जो स्पेसिफिकेशन है जो बॉक्स पे मेंशन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यार वहां पे अगर आप देखते हो बॉक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे TCL की ब्रांडिंग है, गूगल टीवी लिखा हुआ है, 43 इंच का टीवी होने वाला है। और यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है। तो जो भी कंटेंट आप देखते हो अगर उस पर HDR 10 का कंटेंट या 10 प्लस का कंटेंट सपोर्ट करता है तो वो आपको देखने को मिलेगा, काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको AMD फ्री सिंक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, साथ में QLED डिस्प्ले है जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया। MEMC का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि मोशन एस्टिमेशन और मोशन कस्टमाइजेशन काफी अच्छी है, जो विजुअल्स आपको देने को मिलते हैं जब कोई रनिंग कार रेसिंग हो रही है, अगर आप ऐसा देख रहे हो, या हॉर्स राइडिंग कोई कर रहा है, कोई चीज दौड़ती हुई निकल रही है, तो मतलब वहां पे जो व्यूइंग एंगल है ना ब्लरी नहीं होता, वो काफी अच्छा दिखता है देखने में, तो वो एक अच्छी चीज मिल जाती है। यहाँ पे आपको AIPQ की टेक्नोलॉजी है, तो यार यहाँ पे जो प्रोसेसिंग वगैरह काफी ज्यादा फास्ट होने वाली है। और गेमिंग के लिए भी आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। तो यार पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि यार यहाँ पे एटलीस्ट 2 USB पोर्ट देने चाहिए थे, बट कोई नहीं, अगर आपका एक USB पोर्ट से काम हो सकता है तो आप इस टीवी को देख सकते हो। साथ में लैन केबल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 3 HDMI पोर्ट दिए हुए हैं, जिसमें से एक HDMI पोर्ट आपका EARC को सपोर्ट करता है, और एंटीना का सपोर्ट है, हेडफोन जैक वगैरह है, तो सारे बेसिक नेसेसरी पोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है। बाकी अगर आप रिमोट देखते हो तो यार रिमोट काफी अच्छा क्वालिटी का देखने को मिल जाता है, काफी लंबा रिमोट है। जैसे कि Acer का रिमोट था तो वो थोड़ा छोटा रिमोट था और उसमें बटन्स भी थोड़ी कम थी, हालांकि थोड़ा मिनिमल सा रहता है, बटन्स ज्यादा ना हो तो ज्यादा बेटर होता है, बट ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फंक्शनैलिटीज आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको हॉट कीज देखने को मिल जाती है, Netflix Prime Video Guard का ऑप्शन है, मीडिया का है, YouTube और TCL चैनल। तो यहाँ पे आपको ऊपर की साइड एक Google Assistant का बटन देखने को मिल जाता है, यानी कि हे Google बोलकर आप जो भी आपको कमांड दोगे वो आपका टीवी आपको करके देगा। चलो यार जल्दी से टीवी को ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी कैसी है पिक्चर क्वालिटी और बाकी स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं। तो भाई मैं ऑन करता हूं यहां पे, और बहुत जल्दी फ्लुएंटली ये ऑन भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यार अब आप देख सकते हो कि भाई बेजल्स कितने ज्यादा पतले हैं, पूरे बेजल्स कितने ज्यादा पतले हैं, और TCL की ब्रांडिंग यहां पे आपको देखने को मिलती है। तो यार मैं पहले साइड हो जाता हूं ताकि आप पूरा अच्छे से जो टीवी को देख सको। तो यार अभी आप देखो तो यार यहां पे जो पहला पेज जो ओपन है वही ऐसा ओपन होता है, ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन यहां पे फॉर यू का है, दूसरा मूवी का है, तीसरा टीवी शोज का है, फिर आपका ऐप का ऑप्शन आ जाता है, जो भी ऐप इंस्टॉल करोगे आप यहाँ पे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके नीचे और भी हैं, जो भी आप सर्च करना चाहो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, सर्च बार का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक टीशर्ट का ऑप्शन है जहाँ पे आपको जो न्यूज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और जो भी अदर एंटरटेनमेंट के जो भी आपके चैनल्स वगैरह आते हैं वो TCL के जो भी चैनल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी सही है यार, और इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा है जो फ्लूइड दिख रहा है मेरे को, जिस तरह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ आप देखो, मैं सिंगल क्लिक पे है जो बड़े ईजिली है जो एक टैब से दूसरे टैब पे जा पा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा औसम है, काफ़ी ब्राइट है। सेटिंग पे आ गया हूँ, अब सेटिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर हम पहुँच जाएंगे अपने डिस्प्ले एंड साउंड वाले सेटिंग पे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पिक्चर साउंड, और यहाँ पे हमें जाना है पिक्चर पे, और पिक्चर पे आने के बाद देखो ब्राइटनेस 100% पे है, कलर सेचुरेशन आपका है जो 59% पे, तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए फुल ब्राइटनेस पे है,
और यहाँ पे जो ब्राइटनेस सेटिंग के अंदर हम जाते हैं तो देखो अब यहाँ पे कंट्रास्ट, तो ये भी आप देख सकते हो डायनेमिक कंट्रास्ट लो पे रखा हुआ है, ब्लैक स्ट्रेस लो पे, डायनेमिक ब्राइटनेस, काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है यार कि काफी सारी सेटिंग्स आपको दे रखी है, अपने हिसाब से अपनी टीवी को कस्टमाइज कर सकते हो। यहीं पर अगर मैं साउंड की बात करूँ तो साउंड को भी आप यहाँ पे इनहेंस कर सकते हो, ऑडियो डिले क्या है होना चाहिए वो आप अपने यहाँ पे सेट कर सकते हो, ऑडियो आउटपुट क्या है ऑटो पे रखा हुआ, यानी कि आप अगर साउंड बार वगैरह लगाते हो तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऑटो है जो फेच कर लेगा। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। इस टीवी में मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी है वो इसकी ऑडियो क्वालिटी में ये फीचर लगा है टीवी प्लेसमेंट वाला। अगर आप देखो तो टीवी प्लेसमेंट में आप जाते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक स्टैंड और एक वॉल माउंट का। तो यहाँ पे वॉल माउंट पे अगर आपने दीवार पे लगा रखी है टीवी तो आप उसको सेट कर सकते हो, अगर स्टैंड पे रखा है तो उसको सेट कर सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपको आउटपुट देगा, आपकी साउंड क्वालिटी को उसी तरह से इनहेंस करेगा, तो वो एक बेस्ट चीज है। बाकी अगर आप सेटिंग के और नीचे चलते हो तो यहाँ पे आपको काफी सारी सेटिंग है जहाँ पे आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। रिमोट एंड एसेसरीज का सेटिंग भी यहाँ पे आपको देने को मिलता है, जहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको देने को मिलेगा। पेयर एसेसरीज यानी कि अगर आपके नेक बैंड ईयरबड्स वगैरह हैं तो आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास साउंड बार है तो आप उन्हें भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी कनेक्ट किया हुआ था वन प्लस का एक नॉट बर्ड है, रियलमी बर्ड्स एयर 5 प्रो, काफी सारे है जो मैंने ईयरबड्स कनेक्ट करके देखा है, इसको चला के देखा तो काफी अच्छी एक्यूरेट वॉइस यहाँ पे निकल के आई थी, कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे लगी नहीं। तो अब बात करते हैं फाइनली उस सेगमेंट की जिसके लिए आप एक स्मार्ट टीवी या एक गूगल टीवी लेने वाले हो, तो भाई है वो डिस्प्ले क्वालिटी और साउंड क्वालिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर कि कैसी है इसकी पिक्चर क्वालिटी। तो यार यहाँ पे एक कोई मूवी या कुछ चला देता हूँ, एक बार देख लेते हैं कैसा चलता है। तो भाई ये रहा एंटमैन, यहाँ पे पहले मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। भाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 4K अल्ट्रा HD और विजन का सपोर्ट देने को मिल जाता है, तो एक अच्छी चीज है भाई यहाँ पे 4K और अल्ट्रा HD है ये, विजन का सपोर्ट यानी डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट जो आपको देने को मिलता है वो यहाँ पे ये सपोर्ट करता है वीडियो यानी ये मूवी। तो इसको अगर प्ले करता हूँ तो आप देखोगे कैसी इसकी पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है। यार 10-15 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और मैंने इसके जो पिक्चर क्वालिटी देखी काफी गजब की है यार। HDR कंटेंट तो बहुत ही ऑसम चलते हैं और यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी अभी आपको मैंने दिखाई आप देख सकते हो। हालांकि मैं एक चीज नोटिस करा देता हूँ आपको कि भाई जो कैमरे के थ्रू आपको देखने को मिलता है ना वो एग्जैक्ट है जो आपको पिक्चर्स विजुअल्स देखने को नहीं मिलते हैं, ये चीज आप हमेशा नोटिस करना। कभी आपको कोई साउंड क्वालिटी सुनाता है या कोई पिक्चर क्वालिटी आपको दिखा रहा है कि भाई कैसी है तो वो एग्जैक्ट नहीं होती है जैसी वो रियल लाइफ में दिख रही होती है, यानी जैसे मैं सामने से देख रहा हूँ तो जैसा मुझे दिख रहा है वैसा आपको उतना अच्छा क्लियरिटी के साथ नहीं दिखेगा। तो आप इससे बस आइडिया लगा सकते हो कि जब आपको कैमरे में ऐसा दिख रहा है तो सामने से और भी ज्यादा इनहेंस और भी ज्यादा खूबसूरत डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। तो बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी की, तो यार यहाँ पे 30 वॉट्स के स्पीकर लगे हुए हैं यहाँ नीचे साइड में जो कि काफी ज्यादा बेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये पहले मेंशन कर रहा हूं क्योंकि बेस तो है लेकिन उतना बेस नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करो। बट यहां पे जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था एसर का, जब मैंने एडवांस आई सीरीज का जो रिव्यू किया था वहां पे प्रॉब्लम थी यार कि 30 वॉट के वहां पे भी है जो आपको स्पीकर मिल रहे थे बट साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। म्यूजिक वगैरह सुनते हो सॉन्ग सुनते हो अच्छा था लेकिन जब आप कोई डायलॉग यानी कि जब OTT प्लेटफॉर्म पे कोई मूवी देख रहे हो वेब सीरीज देख रहे हो या कहीं भी देख रहे हो तो वहां पे है जो भाई आपको डायलॉग डिलीवरी में कहीं ना कहीं इशू आता था, यानी जब भी आप वॉल्यूम हाई करते थे यार तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो तेज हो जाता था लेकिन डायलॉग्स धीमे रहते सप्रेस हो जाते थे तो वहां पे जो डायलॉग सही से सुनाई नहीं देते थे। हालांकि डायलॉग एनहेंसर उसमें था लेकिन उसके बावजूद उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो वहां पे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि भाई आप स्पीकर ले लो या कोई साउंड बार ले लो। अगर आप कोई वेब सीरीज देखते हो मूवी देखते हो तो यार यहां पे जो साउंड क्वालिटी निकल के आने वाली वो कमाल की निकल के आने वाली है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी साउंड बार या स्पीकर की। तो यार लाउडनेस भी काफी ज्यादा है, एक बार आपको म्यूजिक वगैरह भी सुना के दिखाई देते हैं। अभी सिर्फ 37% पे है जो इसकी वॉल्यूम है, 36 पे आप देख सकते हो और यहाँ पे मैं इसको बढ़ाता हूँ धीरे धीरे। अब ये पूरा 100% पे हो चुका है, आप सुन सकते हो। It's the first time of today.
तो यार आपने साउंड क्वालिटी सुनी और पिक्चर क्वालिटी भी देख ली कैसी है इसकी, और यार यहाँ पे जो जबरदस्त काम किया TCL ने। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ प्राइस की, क्योंकि प्राइस आपको पहले ही बता दिया था भाई, 22,000-22,500 रुपए में ऐसी डिस्प्ले 43 इंच अल्ट्रा HD और QLED डिस्प्ले के साथ आना, यार मेरे को लगता है बहुत कम ही ऐसे ब्रांड है जो इस प्राइस में दे रहे हैं। Acer की एडवांस की सीरीज है आई थिंक QLED डिस्प्ले वाली है जो 25,000 रुपए के आसपास आती है, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम है स्पीकर को लेके थोड़ा सा, जो कि मुझे इस टीवी में बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। दूसरी चीज, वहां के कंपैरिजन में अगर मैं उस Acer की बात करूं तो यार यहां पे TCL के जो डिस्प्ले क्वालिटी है और जो इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इनहेंस्ड है, काफी ज्यादा फ्लूइड है। अगर आप देखो तो काफी स्मूथली है, जो एक टैप से दूसरे टैप पे जा रहा है, किसी भी टैप पे आपको ऊपर नीचे करना है तो बहुत ही स्मूथ चलता है। यार मुझे लगता है कि 22,000 रुपए खर्च कर रहे हो या 23,000 रुपए खर्च कर रहे हो या अंडर 25,000 के अंदर कोई अच्छी टीवी लेनी है जहां पे क्वालिटी डिस्प्ले मिले, यानी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी हो, साउंड क्वालिटी अच्छी हो और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो अभी के टाइम में मुझे लगता है कि ये गूगल टीवी काफी वर्थ इट होगा। अगर 22,000-23,000 रुपए के आसपास में आपको ये टीवी देखने को मिल जाती है तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो यार ये था फाइनल रिव्यू जो मैंने जो बनाया, काफी टाइम से इसको यूज कर रहा था, मुझे लगता है यार कि काफी वर्थ इट है, तो आप देख लेना इसको। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करो, आगे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है इसमें तो वो भी आप मुझे बता सकते हो।